दलित और आदिवासी संगठनों की तरफ से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये भारत बंद अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाया गया था। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिला। बिहार की राजधानी पटना में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर के पास प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि दलित समाज अब जाग गया है। मैं यहाँ जिस समाज ने सड़कों पे उतर के इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है, अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, उसी सरकार को ये बताने कि जब समाज सड़कों पर रहेगा तो उनके नेता भी बंगलों में महलों में नहीं बैठेंगे, वो भी सड़कों पर रहकर समाज का संरक्षण करेंगे। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें चाहें तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी एसटी की सब कैटेगरी बना सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी के समर्थन में पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए। लेकिन दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी भारत बंद का समर्थन किया। भारत बंद को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। इस बंद का कुछ राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से संविधान संशोधन करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस बंद का समर्थन किया। हम लोगों ने लगातार जो है आवाज उठाई। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तो हमने ये साफ तौर पर बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भारत बंद को देखते हुए अधिकतर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के आदेश जारी किए थे। जयपुर, बाड़मेर, डीग समेत कई जिलों के कलेक्टरों ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए थे। भारत बंद पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये निर्णय का हिस्सा नहीं है। जो निर्णय आया उसके दो पार्ट है, मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब एससी एसटी के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के एमपी भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रिमिनल एससी एसटी में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रिमिनल एससी एसटी में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें दो शर्तें लगा दी, क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते जो एससी का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। झारखंड के रांची में भी भारत बंद का असर दिखा। यहां प्राइवेट बस सेवाएं निलंबित कर दी गईं, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।